Well, Loco Presents fan favorite streamer of the year, Mail, is known to overcrowd walls, block highways, and create a ruckus online. It's for Siddharth, Sriman legend. बहुत पश्चाताप में था कि मैंने कपड़ों की खरीदी की, बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रीम पे बता दिया कि मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं। और आप देखोगे अभी कि मैं क्या क्या पहनने वाला हूँ, आप खुश होंगे। और आज हम एक जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बैक टू बैक इवेंट में जाने वाले इसलिए मैं रेडी होके बैठा हूँ। मजा आएगा, बहुत ज्यादा लेवल का मजा आएगा, क्योंकि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको दिखेगा। हमेशा अपने व्लॉग में आपको दिखता है, हम बताते नहीं ज्यादा, क्योंकि बताने वाले बताते नहीं, जताने वाले जताते नहीं, जो दिखाना नहीं चाहते वो दिखाते नहीं, जो मचाते नहीं वो हंसाते नहीं। कैसा रहा करण भाई? देखो यार, कुछ बाकी रहेगा तो कंटिन्यू करो भाई, मैं शूट कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इतना ही था, अभी हम निकल रहे हैं, बस ये जर्नी स्टार्ट है, क्योंकि ये व्लॉग की स्टार्टिंग करना जरूरी है कुछ भी करके। और बाय द वे, जो शूट हो रहा है ये हो रहा है iPhone 15 Pro Max 1 TB ब्लैक टाइटेनियम एडिशन में, तो आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही होगी, ऐसा भ्रम हो सकता है। आईफोन 13 में जैसा था, 14 में वैसा था, वैसा ही क्लैरिटी दिख रहा होगा, बट अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। तो चलो, 4K व्लॉग्स है तो और अच्छा लग रहा है। चलो आज की जर्नी स्टार्ट। चुम्बा रे चुम्बा, काला काला चुम्बा। मेरा लोकेशन बदल गया है और अभी करण जी ईमानदारी से ड्राइव करने बैठ गया। और यहाँ पे देखो मैनेजर मैम, हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? पता है ना? नहीं बताया नहीं अभी तक वीडियो, आपके मुंह से ही रिवील कर दो ना। वीडियो में बताया नहीं है। हम जा रहे हैं अवार्ड कलेक्ट करने, एक स्ट्रीमर ऑफ द ईयर, पब्लिक का प्यार ऑफ द ईयर, सुट्टी किंग ऑफ द ईयर, ये निकालना चाहिए इन्होंने, और दोस्ती में ईमानदार ऑफ द ईयर, और इसको कौन सा चाहिए अवार्ड पता है? इसको दोस्ती में कुत्ता ऑफ द ईयर, और मेरे कुछ दोस्त है उनको दोस्ती में टिम्ब ऑफ द ईयर, और आपको क्या लगना चाहिए? झोपड़ ऑफ द ईयर, और पत्या को भी झोपड़ ऑफ द ईयर टू। अच्छा व्यायाम व्यायाम, प्रणीत भाई, प्रणीत भाई, प्रवास बहुत अच्छा चल रहा है, बट मुझे ना अचानक शी आई है, पता नहीं क्यों। मैंने सुबह दो बार शी की, बट फिर से शी आ रही है, और अभी डायरेक्ट जगह पे पहुंचना है, और पहुंच के फिर वहाँ पे पहले बाथरूम ढूंढना पड़ेगा यार। यार शी तो कहा है, घंटा लग रहा है शी नहीं यार, पर गाड़ी में एक बाथरूम चाहिए। करण क्या मानता? मेरे को फोल्डेबल ले ले, मेरे फोल्डेबल अपने पास है ना, वो चल गाड़ी में, इधर तू गाड़ी में भी जाके बैठ सकते हैं। अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया है वो, पानी का कैसे भी कर सकते। शी सब कंटा है तो रे शियाली का यार। दोस्तों अभी हम नट्टू वाड़ी के टोलना के पे, देख जय श्री राम। नट्टू वाड़ी का टोलना का क्रॉस भी हो गया दोस्तों। कह रहे तू तो कुछ और बोलने वाला था। मैं जय श्री राम भी बोला। अच्छा फिर ठीक है, चलो कोई नहीं। दोस्तों टोल नाके अभी क्रॉस हो रहे हैं, हम पहले भी नहीं भरते थे, हम अभी भी नहीं भर रहे हैं, लेकिन गलत पता नहीं है, गलत है करण जी, ऐसा नहीं करना। कौन बोला? मेरा दिल बोल रहा है, फिर जाके मैसेज चेक करता है ना किधर कट हुए। और ये देखो मिस्टर पतुड़ी आ गए, मेरी कोजगांडा। ये क्या है बे? ओलो एकदम टकाटक। ओके एप्पल वॉच नया फोन। ओ पतु जी मचा रहे ले भाई, पतु जी कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया बहुत। और ये देखो डाको जी कुछ चीजें दिखाएंगे। डाको जी दिखाओ जरा स्क्रीन पे, देखते हैं। देखो अपना वो क्या लगा हुआ, क्या कहते हैं बिलबोर्ड ना, अपना कुछ तो लगा हुआ है जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ। ये देखो रुम्बा, इसके बारे में अगली बार बताएंगे, अभी नहीं। राजे गाड़ी में स्ट्रगल चल रहा है, कपड़े चेंज करने का। कैसा लग रहा है चेंजिंग करने को गाड़ी में? इतनी मखमली है ना, एक फटके में चेंज कर दी। अभी शर्ट पहनेंगे वापिस, दिखाओ ना कैसे की। अरे दिखाओ ना, चेंज करना मतलब चड्डी काटने का, वॉच करके पहनने का ब्रोस। और अभी ये पहनूंगा, ये निकालूंगा, और फिर रिलैक्स लाइफ, इसको इन करने का है ना ब्रो। ये तरह अभी इन कैसे करेंगे इधर? अरे मैं कर सकता है गाड़ी में मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें गाड़ी में मैं कर सकता है, बस टॉयलेट करने का प्रॉब्लम है। मतलब करण दादा बोले वो भी करण ही कर सकता है। अरे कुछ भी मत बोलो रे, तुझे करण दादा बोला क्या? ऑलरेडी नाम करा बेबी गाड़ी क्या? वो करण मुझे क्या बोला पता? श्रीमान मैं तुमको छोड़ता हूँ इवेंट होने के बाद, फिर मैं जरा निकलता हूँ, और गाड़ी भी तेरी आइस पाइस है, तो मेरी एक सहेली है उसके साथ बात करेंगे मैं गाड़ी में। गाड़ी में बात मांडी वगैरह डाल के बैठेंगे। मांडी वगैरह डाल के लगाऊंगा मांडी की गाड़ी।
और टेबल बीच में टेबल लगेगा और फिर अय्याशिया चालू होंगी कोकम्स के साथ उगड़ा ना उगड़ा ना अरे साथ तो अरे मिसाजी चली ना दाखो अरे सांग ना चेस्ट निकल चेस्ट अरे चेस्ट निकल नहीं उगड़ा मुझे निकलता ब्रो अरे क्या नहीं अरे पता भाई जब भाई भाई कर देता आता तो डॉलर रे अरे पण बंद तो करेला सांग हे अब कसा घाणेरडे बना करा लागला त्यांना कारण अबक पर अंगाला अंगा लावायला लागलाय अरे मी बायसेप बघत होतो बाबा बायसेप विचित्र झालंय पत्ते अरे दिखाव ना बॉडी अरे काय दिखाव ना बॉडी तू बंद कर ना आला बदलू दे कपडे अरे पत्त्या ही चुकीचा टमाला का शूटिंग करते पॅन घालता ना गावा देवा अरे मी हिंदी करत आप कैसे कर देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली है ऑनेस्ट आंसर है मेरा आपको इन करने का है तो ऐसे ऐसा ताट होने का प्रॉपर पीछे पीछे ऐसा करके प्रॉपर ऐसा ये देखो ये बात ये रिलैक्स हो गया अभी थोड़ी देर में वो जैकेट पहनूंगा ये देखो इंडिया गेमिंग अवार्ड सीजन 2 पावर्ड बाय आप देख लो अपने लेवल पे मैं बता नहीं सकता अरे नाम नहीं लेने होते ना रे हाँ कैसा लग रहा है शर्म आ रही है थोड़ी थोड़ी ये देखो ये फोटो वीटो निकालने के लिए इज्जत अरे फुल इज्जत बाबा इज्जत दे रहे हाँ नहीं तीन गेमिंग वाली सुपर पावर ये रिस्पॉन वाली सुपर पावर चाहिए जब मैं खेलता हूँ ना बीजे में तो उसमें बंदा मर जाता है मतलब फिनिश होता है उसके बाद फिर से आ जाता है फिर से फिनिश होता है फिर से आ जाता है वैसे अगर सुपर पावर होती ना आई शुपत मजा ही आती तो मैं मेरे निंजा पे उसके टॉप स्पीड चेक करता लेकिन वो कर नहीं सकते ना सुपर पावर नहीं है ना क्योंकि लाइफ में एक ही चांस मिलता है और उस चांस को अच्छे से जीना चाहिए इफ यू कुड मेक वन चीट कोड वर्क इन रियल लाइफ व्हाट वुड दैट बी चीट कोड गेम में तो चीट कोड हाँ मनी मनी एंटर मनी पैसा ही चाहिए आपकी इज्जत तो बहुत कमाएंगे तो रणवीर सिंह को अगर आप एक कोई गेम पे उनको चैलेंज आप कर सको तो आप कौन सी गेम पे चैलेंज गेमिंग में तो कोई भी गेम कोई स्पेसिफिक गेम जो उनके लिए आपको लगता है कि मैं ट्राई करूँगा कि वो जीते तो आई थिंक रिसेंटली उन्होंने बीजे में खेला होगा तो मैं बीजे में उनको चैलेंज ट्राई करूँगा कल कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करने का आपकी सबसे पहली वीडियो गेम कौन सी आपका करंटली सबसे फेवरेट स्ट्रीमर कौन है मेरे एक्चुअली फेवरेट बदलते नहीं फेवरेट स्ट्रीमर से बदलता है कैरी आकाशो और रॉडी अगर इनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ उनको देख के मैं सिखाऊँ चीज़ें बहुत पॉजिटिव बदलने के लिए और भुवन बाम स्ट्रीमर नहीं है लेकिन जीव एक नया स्ट्रीमर है इसको चाहिए जो अभी अपना करियर चालू कर रहा है उसे एडवाइस देना चाहिए एडवाइस मतलब आजकल लोग रहना बैकग्राउंड उनके पीछे बहुत बहुत अलग है तो अगर किसी को स्ट्रीमिंग में बनना है उसको पहले ये चांस करना चाहिए
अगर वो करना चाहते तो उसको उसमें घुसना चाहिए। लोग कर रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे, मुझे करना है। तेरा जो भी हॉबी है, तेरे अंदर जो भी है, उस स्क्रीन पे तू दिखा लोगों को। और हाँ, आपके साथ कनेक्शन बनना आना चाहिए। लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं बना तो स्ट्रीमर नहीं बन सकता। सबसे लंबा टाइम आपके गेम्स कितने घंटों तक आपने मैक्सिमम गेम किया? मैक्सिमम स्क्रीन बहुत हुई है, 12 घंटे 14 घंटे। लेकिन लास्ट ऑफ में सबको पता होगा, लास्ट ऑफ बहुत मतलब इज्जतदार गेम है। तो उसका मैं सेकेंड पार्ट खेल रहा था, वो मैंने बहुत लंबी स्क्रीन खेली, अकेले ही खेल रहा था। मोस्ट ऑफ द मेरी लॉन्ग स्क्रीन हीरो मेरे दोस्तों के साथ होते हैं, वो एक ही ऐसी स्क्रीन को मैं अकेले खेल रहा हूँ 12-13 घंटे के। गेमिंग में आपका अल्टीमेट गोल क्या, मतलब इतनी बड़ी जगह तो आप पहुँच गए हो, बट आगे क्या? अभी बहुत सी नहीं बड़ी जगह ये नहीं है, मकान है अभी। हाँ, एक्चुअली मैं समझता नहीं हूँ कि मैं लोगों की वजह से मैं मुझे लगता है हमेशा वही लगना चाहिए मुझे, ताकि मैं हवा में ना हूँ, टेबल पे रहूँ। और मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता रहूँ, आगे बढ़ता रहूँ, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाने की है, टेक वीडियोज़ बनाएंगे, गेम बनाएंगे, सब करेंगे, और वीडियो बनता है। देखो तो सही दोस्तों, कड़क ना माहौल, देखो माहौल देखो। चाइला मेरे को मेरी चार स्टेज में मुलाकात हुई, चार स्टेज, और मेरी चड्डी फट गई थी अंदर के अंदर। मुझसे प्रश्न पूछ रहा और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाद में मुझे देखने पड़ेंगे कि मैं जवाब क्या दे रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा और ऐसे एकदम ऐसा सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आई। इज्जतदार चीज़ है और वो सारे लोग एकदम हम्बल, प्यार करने में एकदम इज्जत दे रहे हैं। अच्छे अच्छे सवाल दिए आपने, देखा होगा शायद ये सारी। अब यहाँ पे है अवार्ड शो और वो लोग बोल रहे हैं कि जीत के ही आना। मैंने उनको बोला जीतेंगे, उसमें क्या है इतनी बड़ी बात, हम जीतने के लिए तो आए इस दुनिया में। बरबर क्या विषय, चला भेटूया थोड़ा इंदर। में कौन आ रहा है? दिनू जेम सर है। कौन है? अरे दिनू जी एकदम प्रभात करवा था पूरा सातर विकेट का। देखो दिनू आ रहा है, दिनू आ दिनू जेम और ना दिन में एक्साइटेड उसको अभी आएगा वो ऐसा। इसे कैसे पता चला मैं अकेला हूँ, कैसे जाना ये तू, ये गाना इसने बनाया। Well, Loco presents fan favorite streamer of the year male. This makes a lot of sense because this particular creator has been legendary. He's known to overcrowd malls, block highways, and create a ruckus online. It's for Siddhant, Sriman legend. थैंक यू सो मच। वैसे तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं या फिर 80% लोग अवार्ड जिनको मिलता है वो अपने फैमिली को, जिनकी वजह से उनको अवार्ड मिला है, उनको ही डेडिकेट करते हैं और उन्हें डेडिकेट करना भी चाहिए।
लेकिन मेरा ये अवार्ड है ना, ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा मेरी श्रीमान फैमिली मेरे साथ नहीं होती तो अवार्ड मुझे मिलता ही नहीं, नए कपड़े पहन पाते यहाँ पे खड़ा हो पाता। सो ये अवार्ड उन्हीं को डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच श्रीमान फैमिली आणि आई बाबा तुम्ही भगत असतील तर धन्यवाद। फेवरेट वीडियो गेम कैरेक्टर अगर कोई है तो क्या कैरेक्टर वीडियो गेम्स में कैरेक्टर होते हैं जैसे स्टोरी मोड गेम्स में कैरेक्टर होते हैं टाइप स्प्लिंटर सेल करके गेम आता था तो या सेल क्या आता है सैम फिशर या बहुत ज्यादा पसंद है। फेवरेट गेमिंग जॉनरा जैसे बैटल रॉयल होता है स्टोरी मोड होता है कैजुअल गेमिंग आदि वो नॉर्मल स्टोरी मोड ही पसंद है बहुत ज्यादा स्टोरी मोड। फेवरेट सॉन्ग टू लिसन व्हाइल गेमिंग कोई गाना वाना एंड आप गाने भी अच्छे गाते हो तो नहीं बहुत है लेकिन शाहरुख के रोमांटिक गाने वगैरह पसंद आते हैं रोमांटिक हां एक गा तो आप गाने अच्छे गाते हो एक गा सर आपको गाना पड़ेगा इतना तो मतलब इतना तो सारे लोग प्यार है आप सबको पर लग रहे हैं उनकी ये चाहत होगी कि आप गाएं और लोगों के सामने मैं लिरिक्स बोल रहा हूं तो ऐसा करना बेस्ट होता मैं बता पर परफेक्ट है उल्टा हां थोड़ा उल्टा गुंजा कोई देख नहीं पाएगा या मैं ये नहीं कह रहा मेरी आंखों में डाल के देख लो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा लेकिन आप उल्टा देखिए थैंक यू। अरे यू मोस्ट वेलकम ब्रो, आपको लोगों का 1 करोड़ का डील मिल रहा है प्रतु जी। नहीं मुझे वो अपना मैं बोला प्रतु कांग्रेचुलेशन। अरे दोस्तों ये अवार्ड है ना अवार्ड, ये इतना हेवी और ये अवार्ड क्यों दिया पता है स्वरक्षण के लिए, मतलब रात को अगर तुम्हारी किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की उसके बड्डे पे ऐसा थोपने का बड्डा टूट के 3 टुकड़े बस इतना ही घन अवार्ड बादशाह बबनी। लेकिन ये सेफ्टी हैंड में रहना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये देखो इनकी इन लोगों की डाइटिंग देखो कैसे चल रही है, लेकिन मैं छू भी नहीं रहा हूँ। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं गुलाब जाम खाऊं जो कि मुझे पसंद नहीं, फिर भी मुझे खाने की इच्छा हो रही है पता नहीं क्यों। राजभोग मुझे पसंद है खाने की इच्छा हो रही है बट नहीं खा सकता हूँ। अच्छा कहावत रे अंग शिव शिव थे। एक काम करता हूँ मैं वाटरमेलन खा लेता हूँ, मतलब मेरी क्रेविंग्स थोड़ी कम हो जाएगी। यस क्रेविंग थोड़ी कम हो जाएगी बच्ची रे बच्ची। वैसे इस लुक में मैं किंग लग रहा हूँ, मतलब इसमें ना मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ गया। मैं तो शांत था इतनी देर लेकिन अभी मैं किंग लग रहा हूँ। दोस्तों अभी करण जी बोले मुझे कोकम पीऊ क्या, इधर बोला पी लो कोकम क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत भी दोनों कोकम से कुछ पी रहा हूँ। जूस मार रहा है कोई दिक्कत का विषय नहीं। हो पता भी नहीं चला एयरपोर्ट पे हम आ गए दोस्तों। करण भाई को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। हम एयरपोर्ट पे और एक जगह पे जाने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि व्लॉग जब आएगा तब आपको मैटर हो चुका होगा। तो अभी हम जा रहे हैं यवतमाल। अब हम वाया मुंबई टू यवतमाल जाने वाले हैं और ये जो आज का व्लॉग था ना यही था।
इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। इन्जॉय करो और अगले व्लॉग में मिलते, नहीं तो हमेशा क्या है एक ही पार्ट में सब खत्म नहीं करने का भाई। ये फुटेज जल्द से जल्द डालता हूँ। माँ की अकिया, टेक केयर, गुड नाइट, सायोनारा, बच्ची के दिल में वेटिंग्स। कुछ कहना चाहता है आखिरी शब्द? जय राम जी की। यस yes.